बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़ीशान शम्मस और आप देख रहे हैं पाक विज मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कलरफुल टापियोका पर्ल की रेसिपी। ये आप किसी भी डेजर्ट या ड्रिंक में यूज कर सकते हैं। इससे ड्रिंक बहुत ही कलरफुल और यमी बनेगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिससे आप इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरी वीडियो देखें। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। टापियोका पर्ल बनाने के लिए पैन में ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 लीटर पानी लिया है। अभी इसमें बॉयल आने तक वेट करते हैं। यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया। अभी यहाँ पे मैंने लिया बड़े साइज का साबूदाना या सागू, जो भी आप इसे बोलते हैं। इसे पानी में ऐड कर देंगे। अभी इसे लगातार हिलाते जाएंगे। साबूदाना जब भी ऐड करें पानी में बॉयल आने के बाद ऐड करें, ठंडे में ऐड नहीं करें। और अगर आप सही से अच्छे तरीके से टापियोका पर्ल बनाना चाहते हैं तो जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि ये टाइम लेगा थोड़ा। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और लगातार हिलाते जाना ताकि नीचे से चिपके नहीं, और ऐसे ही 10 मिनट तक बॉयल करेंगे। अभी फ्लेम लो कर देंगे और इसे ऊपर से कवर करके 30 मिनट तक बॉयल करेंगे। बीच बीच में आपने इसे हिलाते जाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है। फिर से ऊपर से कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट तक ओपन करके 30 मिनट तक कवर करके इसे बॉयल किया। टोटल 40 मिनट हो गए बॉयल करते हुए। 40 मिनट के बाद आपको इस तरह नजर आएगा, ऊपर से थोड़ा बॉयल हो गया लेकिन अंदर में अभी भी हार्ड है। इस टाइम पे आके आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और ऊपर से कवर करके 20 मिनट तक इसी पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं इसने काफी हद तक पानी सोक कर लिया, लेकिन ये अभी तक डन नहीं हुआ। इसमें व्हाइट वाला हिस्सा बहुत ज्यादा, यानी अभी तक अच्छे से बॉयल नहीं हुआ। अभी इसे ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल, इसमें ऐड करेंगे स्ट्रेनर। इसके ऊपर साबूदाना ऐड करेंगे ताकि इसका सारा पानी अलहदा हो जाए। यहाँ पे मैंने साबूदाना अच्छे से ड्रेन कर लिया, इसका सारा पानी अलहदा हो गया। अभी फिर से बॉयल करने के लिए साबूदाना पैन में ऐड करेंगे। अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे थोड़ी देर हिलाते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपका ना रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टिकी पन होता है। अभी आपने फिर से इसे ऊपर से कवर करके लो फ्लेम पे 40 मिनट तक बॉयल करना है। बॉयल करने के टाइम पे आपने इसे बीच बीच में हिलाते जाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है। फिर से ऊपर से कवर कर देंगे। 40 मिनट के बाद इसे ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं काफी हद तक बॉयल हो गया, लेकिन अच्छे से डन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अभी भी व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है। इसका मतलब अंदर से ये कच्चा है। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ऊपर से कवर करके इसी पानी में छोड़ देंगे 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद इसे ओपन करेंगे। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। इसमें जो व्हाइटनेस यानी कच्चापन था वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है, तभी आपका टापियोका पर्ल अच्छे से बनेगा। अभी फिर से इसे अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ड्रेन कर लिया और ये वाला पानी इसका फेंक देंगे। अभी इस बॉल में इसे ऐड करेंगे। ये स्टेप भी बहुत जरूरी है, आपने जरूर करना है। अभी इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो स्टिकी पान है वो भी खत्म हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। अभी इसे ड्रेन कर लेंगे और इसी तरह 2 से 3 दफा मजीद धो लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 दफा पानी से धो लिया है और ये इस तरह बिल्कुल डन हो गया है। आपने भी इसे 2 से 3 दफा पानी से धोना, नहीं तो ये आपस में चिपका रहेगा। इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया है बॉल, आप उस हिसाब से ले लें जितना आप कलर करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बॉल ली है क्योंकि मैं 4 कलर करूंगा इनमें। अभी बॉल में साबूदाना ऐड करेंगे। जितना आप कलर करना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज्यादा कर लें। अभी यहाँ पे मैंने लिया रेड फूड कलर, ये ऐड करेंगे एक बॉल में थोड़ा सा। अभी इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी दूसरे बॉल में ऐड करूंगा मैं ब्लू कलर। अभी यहाँ पे मैंने लिया येलो कलर, ये ऐड करेंगे इस बॉल में। अभी लास्ट वाले में ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर। अभी इनमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अभी इन सबको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं 15 दिन या 1 महीना रमजान के लिए, तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर या बोतल के अंदर कलर ऐड करके और थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। पानी इतना होना चाहिए कि अच्छे से डिब हो जाए, तो इसे फ्रिज में रख दें। जब भी आपने इसे किसी डेजर्ट या ड्रिंक में यूज करना हो, पानी ड्रेन करें और यूज करें। मैं आपको दिखाने के लिए इसे 10 से 15 मिनट तक इसी पानी में रहने दूंगा, उसके बाद ड्रेन कर लूंगा। माशाल्लाह, कलरफुल टापियोका पर्ल इज रेडी नाउ। टापियोका पर्ल ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले बॉल में ऐड करेंगे आइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें ऐड करेंगे रेड कलर टापियोका, साथ ही इसमें ऐड करेंगे ब्लू कलर। अभी इसमें ऐड करेंगे येलो कलर। अभी ग्रीन कलर ऐड करेंगे। अभी यहां पे मैंने मैंगो को क्यूब्स में काट लिया, ये ऐड करेंगे।
साथ ही इसमें ऐड करेंगे बनाना फ्रूट। आप अपने हिसाब से जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पे मैंने लिया ब्राउन शुगर सिरप, ये ऐड करेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल और कलरफुल लग रहा है, पीने में भी इतना ही मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाएं। अगर आप इसमें आइस ऐड नहीं करते तो इसे बना के फ्रिज में रख दें, इफ्तार के टाइम पे निकालें, तब इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी इसे ग्लास में ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखने में बहुत ही ज्यादा कलरफुल और पीने में यमी है। आप इसे रमजान में अफ्तार टाइम या किसी गेस्ट के लिए बना सकते हैं। माशाल्लाह मजेदार कलरफुल ड्रिंक इज रेडी नाउ। अगर आपको टापियोका पर्ल की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।